अब यहां देखो गाइस भाई, लास्ट जोन था और 1v3। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, और अभी जो आप लोगों ने सीन देखा वो इसी गेम का है। तो आप लोग सभी लोग गैस करके बताओ कि क्या मैं वहां पे बचूंगा या फिर मर जाऊंगा। बाय द वे गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं अपने अल्टीमेट सेट के साथ में, तो देखो आज हम इसकी भी ताकत अनलॉक करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखो मैं जॉर्ज पूल में कूदा, अब जैसे ही कूदा सबसे पहले लूट लेनी तो बनती थी, उसके बाद जैसी लूट मिली अब चारों तरफ से गन फाइट के साउंड तो मुझे आ ही रहे थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता है हेलमेट वेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलमेट वेस्ट मुझे नहीं मिले, बट इधर की तरफ से एक बंदे का साउंड आया। यहां रश हुआ, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, दूसरा बंदा मेरे पर रश करने वाला था इसीलिए पीछे भागा, लेकिन जैसे ग्रेनेड की पिन खींची ये देखो भाई। अब यहां पर इंटरनेट के नशे उसके थे लेकिन मरा कौन, मैं। बट कोई नहीं गाइस, अभी यहां से मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं जल्दी से भाई क्या करता हूं, कहीं भी कूद जाता हूं, और कूदने के बाद मैं कैस करो पता है कहां जाने वाला हूं, जी हां गाइस वापस से जॉर्ज पूल। जैसे यहां पर आया अब मुझे भाई अपना बदला लेना था, लेकिन उसके लिए पहले लूट भी लेनी बनती थी, और इस बार हेलमेट वेस्ट थे, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मतलब इस बार तबाही होने वाली है। अब जैसे यहां आया मुझे टावर पे कुछ बंदे दिखाई दिए, ये दिए 3 हेड, बंदा नॉक हो गया मिस्टर विशाल। अब इसके बाद वेट करता हूं कि मुझे दोबारा दिखे, लेकिन तभी एक और बंदा दिखाई दिया मिस्टर निखिल, इसको भी नॉक कर दिया। उसके बाद में दूसरे बंदे का ही मुझे यहां पे फिनिश मिल गया, और ये टाइम था आगे बढ़ने का, क्योंकि टावर की गंदगी तो हम लोगों ने सफा कर दिया। बट जैसे यहां पर आया अब ये तो एक बॉट था, लेकिन भाई तभी राइट साइड से गोलियों की आवाज आई, मैं समझ गया कि यहां पर कोई ना कोई तो है, लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ लगाते हैं। जैसी हेल्थ लगाई देखो, बंदे को लिट किया, अब लेफ्ट में फायर दिया, और अब देखो आईक्यू कहां से कूदने वाला हूं। नेवर गेस देम योर नेक्स्ट मूव, बिल्कुल कुछ ऐसी करा मैं यहां पर। By the way, इस बंदे को मैंने क्यों घूंसे मारे मुझे भी नहीं पता, बट जैसे इस बंदे को मारा, ये एक बॉट था और इसको मारना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसको मार के हमारा केडी बढ़ेगा। जैसे केडी बढ़ गया टाइम था यहां से निकलने का, मैं आया गाड़ी उठा के, जैसे निकलता हूं कुछ आवाज आई पीछे की तरफ से, उठाई गाड़ी और निकल पड़ा पीछे की तरफ। अब खैर जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं ठोका पहले जल्दी से एक लाइक ठोक दो, एम करते हैं 30K लाइक का। चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर गाड़ी लेके जैसे ही आई की तरफ जाता हूं, अब भाई बंदे को देखना कैसे मौत को छू के निकला है वो एक बार को, ये देखो कूदा। अब यहां मैं कैसे बचाऊ मुझे खुद नहीं पता, बट बच गया भाई जैसे तैसे। जैसे इसको मारा अब ये देखने के लिए कहीं और बंदे ना हो, एंड तभी देखो टावर पे भाई कैसे बच गया, फाइनली ये नॉक हुआ मिस्टर विशाल, नाम कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा। हां भाई इस बंदे को हमने पहले ही मारा था टावर पे और दोबारा भी टावर पे, मतलब ये तो बोनस हो गया इस बंदे के लिए। फाइनली अब जैसे मैं यहां से निकलता हूं फायरिंग का साउंड आया पीछे की तरफ से, लेकिन अब ध्यान से सुनो ये देखो भाई यूजी वाला बंदा हमको बुला रहा है, तो चलो इसकी तरफ चलते और इस अंदाज में केवल मैं ही जा सकता हूं। जैसे उतरा अब ये बंदा कहां है देखो जरा, भाई साहब इस ग्रेनेड के लिए जो हो सकता है अपने आसपास टीवी फ्री सब तोड़ देना, लेकिन लाइक दब जाना चाहिए। खैर जैसे इसको मारा अब जो मैं पहले फायरिंग के साउंड आए थे, मैं इधर की तरफ आता हूं, आई थिंक ये मेरे को तो नहीं मार रहे लेकिन किसी को तो मार रहे, और जैसे मुझे लोकेशन पता चली मैं सीधा आया पहाड़ पे, ये तो बॉट लग रहा है, इसको छोड़ते हैं अभी। बट एक बार देखो जरा ऊपर ये कौन आया,
गाड़ी घुमा के सोचता हूँ कि इसके ऊपर चढ़ा दूं, लेकिन एक बग्गी भी आई। भाई साहब मामला पूरा इंटेंस है। जैसे इसको फिनिश किया, अब भाई साहब यहां एक ऐसा एंगल मिल चुका था मुझे, स्पॉटिंग करनी बहुत इजी थी और बंदों को मारना उससे भी ज्यादा आसान। बस बंदे स्पॉट करने थे, एक और आया। अरे भाई भाई मेरे पास फ्री में रसगुल्ले थोड़े ना मिल रहे, सब क्यों आ रहे हो? फाइनली खैर तुम्हारे भाई ने थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करी, बट उस बंदे ने पीक नहीं करा। खैर अभी चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां पर मैं देखो राउंड लगा रहा था कि बंदे तो मिलेंगे ही, और फाइनली ये किस तरीके से जा रहा है बंदा, पर बच के निकल गया। अब वहां वेयर हाउस में कितने बंदे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझे वहां रश करना है तो पहले एक आध नॉक निकालना पड़ेगा, इसीलिए इंतजार करता हूं। UMP 40 बहुत ही तगड़ी चल रही है भाई सामने से। अब देखो ज्यादा तो मेरे से इंतजार हुआ नहीं, तुम्हारे भाई ने आखिरकार गाड़ी ठोक दी जैसे यहां पर आया। बंदों का साउंड सुनता हूं पहले, देख रहे हो बंदों ने साउंड दे भी दिया। बहुत अच्छे बंदे यार हमारे देश के, देखो। तो चलो भैया सबसे पहले थोड़ी बमबारी करते हैं और उसके बाद में थोड़ी डुसुम डुसुम होगी, ठीक है? गेंद फेंका, बूम नॉक, मौका मिलते ही फिनिश भी कर दिया इसको। अब मैं यहां चढ़ जाता हूं, अब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि यहां कितने सारे बंदे हैं, बट सब छिपे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फाइट होगी सारे बंदे ओपन में आते जाएंगे। अब देखो अब ये यूजी वाला बंदा जस्ट अभी कूदा यहीं पर, फिर से मारा गया। जैसे इसको मारा अब इस वेयर हाउस में ना बंदे ऐसे भरे पड़े थे जैसे क्या बताऊं, होता ना वो छोटे टेम्पू में 10-20 लोग, बिल्कुल सेम वैसे। लेकिन मैं रश नहीं करने वाला था जब तक कि कोई नॉक ना हो जाए, इसीलिए ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंकता गया। और फाइनली भाई वो टाइम आ गया कि अब हमारी डुशम डुशम होने ही वाली है। भाई कैसे बच के निकल गया ये? अब क्योंकि ये बंदा लिट था इसीलिए मैं घुस जाता हूं, और जैसे यहां आया पता नहीं भाई ये बंदा तो कहां से आया, लेकिन अब इसकी टीम नहीं रुकने वाली थी, इसलिए पहली मैंने ग्रेनेड की पिन खींच ली। और देखो जरा सामने, अब मेरे को लगा कि मैं उसको गन से मार दूंगा लेकिन वो पीछे हट गया, और इसके बाद इसने ओपन से रश किया और बड़े ही आराम से इनकी पेटी बना दी। अब गाइस कमेंट करके बताओ कि यहां की फाइट लंबी थी कि नहीं। सही बताऊं तो बहुत सारा पार्ट मैंने कट कर दिया, लेकिन यहां की फाइट बहुत ज्यादा लंबी थी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक ठोका नहीं, ठोक दो, बाकी लास्ट वाली फाइट देखो एक बार। तो जोन आप लोग देख ही रहे भाई, जोन मुझे निकलना था, और जैसे पोचिंग की तरफ आया इस वाले घर के पास, ड्रॉप लूटेड था ऑलरेडी, एंड तभी 3-2-1 बूम। भाई साहब ग्रोजर एंड M249 आज तो मैं गया। लेकिन अब मुझे इतना पता था कि ओपन में कूद के रश करने वाले तो है नहीं, इसीलिए एक मौली फेंकी। अब मौली फेंकने से वहां तो कोई होगा नहीं, इसलिए अब फेंकेंगे ग्रेनेड। 3-2-1 एंड चलो भैया ये हो गए लिट। उसके बाद एक और ग्रेनेड एंड बूम गाइज, एक नॉक और दूसरे वाले ग्रेनेड से दूसरा भी फिनिश, मतलब दोनों बंदों की पेटी स्वाहा। बट जैसे इन बंदों को मारा तभी देखो अब सबसे पहले तो सॉरी बंदा जंप करा था, लेकिन जब मैंने इसको नॉक किया, मतलब जब मैंने फायर किया तभी जंप करने लगा, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई है। लेकिन अब इसके टीममेट यहां छिपके बैठे हुए थे पता नहीं किस लिए, तो देखो अब इनको, पता नहीं मेरी नजर पड़ गई इस पत्थर पे, तो मैंने एक बंदे मतलब ग्रेनेड फेंका। उसके बाद में जैसे दूसरा ग्रेनेड फेंकता हूं तभी भाई साहब क्या हेड नॉक था ये। खैर यहां पर जैसे वाले बंदे को नॉक किया, एक और ग्रेनेड की पिन खींची
क्या पता वहां कोई रिवाइव दे रहा हो या फिर इससे फिनिश तो वो हो ही जाएगा। लेकिन ये बंदा यहां से पीछे जा रहा था और इसका मतलब है कि इसका टीममेट वहां हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहां से निकलते हैं। तो उठाई अपनी गाड़ी, देखो जरा, और जोन भी आ चुका था। एंड तभी गाड़ी की आवाज सुनते इसने फायर किया, तो मैं समझ गया कि काफी देर से यहां बैठा है। और अब इससे लड़ने से अच्छा ये है कि क्यों ना मैं स्क्वाड हाउस पे चले जाऊं। तो मैं यहां स्क्वाड हाउस पे आता हूं और इस बंदे का इंतजार करता हूं। लेकिन जैसे यहां पर आया, भाई साहब वो बंदा अब भी मार रहा है, पता नहीं कि दीवार के आर पार मार देगा मेरे को। फाइनली जैसे छत पे आया, देखो जरा, अब इसको बोलते हैं दिमाग। हम पहले जोन में आ चुके थे। अब खैर गाइस, जैसे यहां से निकलता हूं एक बार जरा क्रॉस ईयर देखो, यहां एक बंदा लेटा हुआ है, तुम लोगों को दिख रहा होगा लिस्ट से, ठीक है। अब मैंने ये क्यों दिखाया अभी बताता हूं। जैसी गाड़ी रोकी और यहां पर फाइट भी चल रही है, फायरिंग के साउंड आप लोगों को आ रहे होंगे। इसको मैंने नॉक कर दिया इसीलिए आपको दिखाया था, क्योंकि आप पहले मेरे से बोलते कि तुम्हें बंदा कैसे दिखा, तो क्योंकि वो पहले ग्लिच हो गया था, मैं उस जगह पे स्कोप खोल के देख रहा था। जैसे इसको नॉक किया, आए हाय हाय हाय, क्या नॉक था ये गाइस, मतलब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को। फाइनली गाड़ी उठा के जाता हूं उधर की तरफ जहां पहले मैंने एक बंदे को नॉक किया था। अब जैसे यहां आया, यहां ऑलरेडी एक स्मोक हो चुका था, मतलब कि बंदा रिवाइव वगैरह हो रहा होगा, मौली फेंकी। एंड तभी देखो पहाड़ी फिर से एक बंदा दिखा। गाइज यार, इन वाले नॉक्स के लिए ना आज भाई कर दो इस वीडियो को शेयर, मतलब आज तुम 2 मिलियन मेरे आज ही करा दो, क्योंकि मैं अगर ऐसे खेलने लग गया ना भाई फिर क्या होगा, क्या होगा तुम सबका। मजाक कर रहा हूँ। खैर फाइनली मैं यहाँ पर क्लोजिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये बंदे कुछ फायर वायर कर नहीं रहते, मतलब फाइट वगैरह। लेकिन जब वहाँ ग्रेनेड्स वगैरह फेंकने चालू हुए तो मैं वहाँ से हटा और वापस यहीं पर आया। जैसे ही यहाँ आया फिर से मेरे को दिखा भाई सामने ये पहाड़ी वाले बंदे, तो भाई इतनी भार नॉक हुए ना क्या बताऊँ तुमको। बट यहां इन्होंने मेरी गाड़ी फोड़ दी, और जो मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो चुकी थी। अब कुल मिलाकर ये वाली गाड़ी तो वेस्ट हो चुकी है, और अब मुझे जोन में जाने का कोई ना कोई रास्ता तो देखना होगा। स्मोक किया मैंने, नॉक करने की कोशिश भी की लेकिन काम बन नहीं पाया। और फाइनली अब जरा बंदे देखो कितने बचे, 4, 1v3 लास्ट जोन। और ये पहाड़ी वाले बंदे वही हैं जिनको मैं बार बार नॉक करता आ रहा हूं, लेकिन भाई ये बंदे वहां से हिल नहीं रहे। फाइनली बंदे को नॉक किया। अब देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था आगे जाने के अलावा, लेकिन मेरे पास स्मोक भी नहीं थे आगे जाने के लिए, तो कैसे जाऊं, जाना पड़ेगा ओपन से। भाई साहब ग्रोजा प्ले 6x कुछ भी चल रहा है, चलने दो भाई जो भी चल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं M4 क्यों चला था, देखो रीजन ये है कि 5 के एमो कम बचे थे और मैंने सोचा ग्रोजा से इनके हेलमेट वाइज डैमेज कर लूं, ताकि लास्ट टाइम जब मैं रश करूं तो ये इजीली नॉक भी हो सके, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला था, फाइनली जोन आ गया। और देखो अब M4 चला ही लिया आखिरकार मैंने, लेकिन एमो एक नॉक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई दूसरा बंदा नॉक ही नहीं हुआ, दूसरा नॉक। लेकिन गाइस वो उस स्प्रे में जो वो बंदा नॉक नहीं हुआ ना दूसरा वाला, वहीं से पूरा गेम खराब हो गया। ये मान लो अगर वो बंदा नॉक हो जाता तो तीसरे बंदे को मैं इजिली आई थिंक मार लेता, मतलब 90% तो मार लेता। बट गाइस एंड की फाइट जिस हिसाब से निकाली है, मुझे लग रहा है कि आई थिंक आप लोगों को पसंद आ जाएगी, और न्यू अल्टीमेट सेट की भी पावर्स हम लोगों ने अनलॉक कर दिए। तो बाय द वे गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार कर देना भाई यार। एक ही तो बंदा रह गया था, वही मार देता तो चिकन था ही, मुझे पता है। तो चलो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स वॉचिंग गाइज, बाय बाय।